अस्सलाम वालेकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। ये ईद के सेकेंड डे का ब्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और हम फनातीर आए हुए थे जो कि जुबेल में ही है, इस पार्किस, और सामने ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा बीच भी है। अब हम अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है ईद मुबारक। हम भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। इस झूले का नाम है टॉप डांसर, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनके इंस्ट्रक्शंस हैं। इस झूले का प्राइस है 14 रियाल। इस झूले पर छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते, तो हर झूले पर वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चे किस झूले पर बैठ सकते हैं। जितने भी गेम्स और झूले हैं सबके प्राइस भी आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सारी चीज़ें बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस पार्किस में, तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना होगा, किस तरीके से वाउचर लेना, मैं सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। स्काई रेस का है 13 रियाल। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या रूल्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। बच्चों को ज़रूर लेकर जाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा उन्हें। इस राइड का नाम है तागा डिस्को। वीडियो को पॉज करके इसके रूल्स भी आप पढ़ लीजिएगा। इनाया की एज अभी लेस देन 2 ईयर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनाया के साथ मैं भी खड़ी हूँ और भी बाकी बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स खड़े होने लेकर। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसी राइड पर हम बैठे थे जिसका प्राइस है 13 रियाल, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जो 350 रियाल आप देख रहे हैं, तो मिनिमम आपको 255 रियाल में ये वाउचर मिलेगा, वो भी सिर्फ ईद के टाइम, क्योंकि अभी ऑफर चल रही थी। और 5 रियाल आपको कार्ड का देना होगा, टोटल 260 रियाल देना होगा। पे लिफ्ट भी दी हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, हम फर्स्ट फ्लोर पर अब आ गए हैं। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर से इस बीच का व्यू देखो कितना प्यारा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर है। काफी गेम है फर्स्ट फ्लोर पर भी, बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनाया भी काफ़ी इंजॉय कर रही है। तो बहुत बड़ा है ये, और मस्जिद भी बहुत प्यारी है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, पार्किंग भी आपको इजीली मिल जाएगी। बच्चे बड़े हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर गेम्स हैं। ये बिल्कुल फनातीर बीच के पास है, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट फ्लोर से आप लोगों को सामने का व्यू दिखाया था बीच का। Oh।
यहाँ पर देखिए अंदर लिखा हुआ है स्पार्किस और बाहर लिखा है पार्टी रूम। तो अगर बच्चों की बर्थडे वगैरह है और आप इस तरीके की हॉल देख रहे हैं तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। बच्चों के हिसाब से ही इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया है, टेबल वगैरह देखिए सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत ही प्यारा पार्टी रूम है और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी की बच्चे की बर्थडे वगैरह हो या कोई भी सेलिब्रेशन बच्चों के लिए आप कर रहे हैं और आप हॉल देख रहे हैं तो आप यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट फ्लोर से आप लोगों को नीचे का व्यू एक बार दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से नीचे का व्यू। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे देखिए लेडीज वॉशरूम है और ये जेंट्स वॉशरूम है। हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया और इनाया ने भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमारे साथ इन्जॉय कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके इसके रूल्स पढ़ लीजिएगा। 40 रियाल का गेम है एंड 10 रियाल का ये ग्लव्स देते हैं। 50 ये 40 रियाल है, ये देखिए ऐसा गेम है, ये सॉफ्ट प्ले है, 40 रियाल है। माशाल्लाह देखिए ये मस्जिद है, बहुत ही प्यारी मस्जिद इन्होंने बनाई हुई है, मतलब हर चीज़ का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। और ये बाबर शॉप है, ये भी किड्स बार्बर शॉप है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसी हिसाब से इन्होंने पेंटिंग वगैरह की हुई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी मौजूद है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा डेकोरेशन, और मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और ये एग्ज़िट करने का रास्ता है, तो यहाँ से ही अब हम एग्ज़िट करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने बीच आपको नज़र आ रहा होगा, तो अब बस हम बीच पर थोड़ा जाएंगे, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अब यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं, चलें और चलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए हम यहाँ से निकले हैं, ठीक है, ये बिल्कुल वही है स्टारबक्स और हर्फी के सामने ही, ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया था ये वही है बीच का, ये फनातीर बीच है। ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है और मगरिब का टाइम हो रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है, ये देखिए यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ईद के टाइम पर हम आए थे, तो इसलिए काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं बच्चों को लेकर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस पार्क के साथ हैं तो इस बीच पर भी विज़िट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है इस पार्क की हर्फी, तो अब क्योंकि शाम हो रही है तो इसलिए अंधेरा हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी ईद के टाइम इस पार्किस में ऑफ़र चल रही है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मिनिमम 260 रियाल आपको देना होगा। और फिर इस कार्ड को आप मतलब एटीएम कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस भी राइड पर आप बैठना चाहते हैं या कोई गेम खेलना चाहते हैं वो बैलेंस आपकी कार्ड में से डिडक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस रह जाता है तो आप विद इन 3 मंथ कभी भी विज़िट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। उसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स हैं जिस पर कि ऑफ़र है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की मैं आप लोगों को बस उसका बता रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ इनाया को देखिए, पतंग को देखकर पता नहीं उसे क्या समझ में आ रहा है, वो भी पतंग के पीछे पीछे जा रही है और उसे उठाने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बीच वगैरह पे जाने के लिए इससे अच्छा वेदर हो ही नहीं सकता, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं।
इनाया अपने साथ साथ टेडी बियर को भी पानी पिला रही है। माशाल्लाह, मगरिब की अजान भी हो चुकी है और इसलिए अब अंधेरा हो गया है। तो आपको मैं एक बार बाहर से पूरा व्यू दिखाती हूँ रोड का। और बस अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।